श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन परिक्रमा की जय। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा। आप देख सकते हो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, रमन रेती कालीधे, और मेरे साथ हैं श्री बांके बिहारी जी के सांवरिया गोस्वामी। क्योंकि मेरे पैर में चोट है तो भैया अपनी बाइक लेके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, रॉयल एनफील्ड पे हम ये परिक्रमा करेंगे। ये मेरा मन था कि मैं क्या करूं, परिक्रमा ज़रूर करूं, लेकिन इतना चल नहीं सकता हूं क्योंकि पैर में अभी थोड़ी सूजन है, लेकिन हम श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा अवश्य करेंगे। तो यहां से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे हम। सभी श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करें, अपने गुरु महाराज का स्मरण करें, गुरु का प्रणाम मंत्र गाएं हम। यहां से स्टार्ट होगी हमारी परिक्रमा, और ऐसे घूमते घूमते घूमकर हम श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाकर हम यहां से वापस आएंगे। आप एंड तक जुड़े रहिएगा। आप देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल, परिक्रमा मार्ग इज स्ट्रेट, ऐसे परिक्रमा मार्ग ऐसे हम निकल के आएंगे। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द परिक्रमा मार्ग। यू कैन सी ओवर देयर द इस्कॉन टेम्पल इज राइट ओवर देयर। तो सभी एक बार श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र गाएंगे, सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। अभी मैं दंडवत प्रणाम करूंगा श्री वृंदावन धाम में, श्री वृंदावन धाम को। ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन श्लाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज परिक्रमा जब आप करें, पहले श्रील प्रभुपाद जी को रखें, उसके बाद अपने गुरु महाराज को रखें, और उसके बाद आप परिक्रमा प्रारंभ करें। आइए वृंदावन धाम की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। It's going to be one of the best journeys you have had in Sri Vrindavan Dham. बहुत special होने वाला है, ऐसे ऐसे जगहों के आपको दर्शन मिलने वाले हैं इस परिक्रमा में, बैठे बैठे अपने घर में। ये मेरे लिए भी नया है, it's going to be a new experience for me. बने रहिएगा, बैठे बैठे आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने श्री वृंदावन धाम की पूरी परिक्रमा कर ली है। बोलो वृंदावन धाम की जय। सांवरिया भैया चले, चलिए आइए फिर। एक्चुअली दो दो पेजेस चल रहे हैं, और अब हम बैठ गए हैं अपनी एनफील्ड पे। चलिए चलिए भैया, बिहारी जी जय श्री बिहारी जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो। ऑल राइट, जी ये वृक्षारोपण कराया गया था, उसके तहत ये सारे वृक्ष आ गए हैं जिनमें नाम पढ़ेंगे तो जो सभी लोगों ने लगवाए हैं जो भी आप बताते हैं जी, ताकि वृंदावन जो है हरा भरा बना रहे। और ये देखिए विंडो की परिक्रमा चल रही है, जय जय सुंदर। ये देखियो जी, माता जी, माता जी हमारी परिक्रमा चल रही है। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय हो। जी जी प्लीज प्रभु जी, हम आपको घर पे इनवाइट करना चाहते हैं प्रभु जी। माता जी जरूर आएंगे, अभी एक बार परिक्रमा कर ले आप, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए। यस वी आर वेयरिंग अ मास्क। अभी सबसे पहले हम आपको कृष्ण और बलराम जी का जो वृक्ष है हम उनका दर्शन कराएंगे। चलिए सांवरिया भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जय जय श्री राधे माता जी। ओके चलिए, अभी हम चल रहे हैं, श्री कृष्ण बलराम जी का वृक्ष आपको दिखाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसा वृक्ष नहीं है, एक वृक्ष की टहनी काले रंग की है और दूसरे वृक्ष की टहनी जो वाइट रंग की है, जो बलराम जी को प्रतीत करती है। ठीक है, बात सही है सांवरिया भैया। हमारे सांवरिया भैया पूरे हीरो लग रहे हैं, आप देखिए जरा हमारे भैया को। चलिए श्री वृंदावन धाम, ये यहाँ पर 2 मिनट रुके भैया, श्री वृंदावन धाम निराला। मैं 2 मिनट आया भैया सबको दर्शन करके, फिर बाकी आता हूँ मैं। चलिए, तो ये सबसे पहला हमारा स्टॉप है वृंदावन जी की परिक्रमा में। दिस इज कॉल्ड द कृष्ण बलराम ट्री। मैं आपको जरा दर्शन कराता हूं पास से।
वाओ, यहाँ पर सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, मत्था टेकेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे लाइक वन, एक जो पार्ट है वृक्ष का दैट इज लाइक ब्लैक इन कलर एंड द अदर पार्ट इज लाइट वाइट विच इज श्री बलराम जी। तो हम श्री कृष्ण बलराम जी के वृक्ष को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण बलराम, आप सदा हमें श्री वृंदावन धाम में बुलाएं, अपनी कृपा बना के रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिएगा। जय जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम निरालो। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई हुई हैं परिक्रमा मार्ग में, आप दर्शन करते हुए चलिएगा। अब थोड़ी ही देर में यमुना मैया के दर्शन होंगे भैया, है ना। और काली देव पर जैसा कि हमने देखा है कि ठाकुर जी ने नृत्य किया था शीशनाग के ऊपर और लड़ाई लड़ी थी, तो उसके भी काली मर्दन किया था, वो भी दर्शन हम करते हुए चलेंगे आगे। जी जी जी, जब तक वृंदावन में जो वानर सेना है उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। जय हो। और ये आपको वृंदावन के हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी गौशाला भी आएगी भैया, अगर हम यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकेंगे, यहाँ पर भक्ति वेदांत इस्कॉन की गौशाला आएगी। बहुत सुंदर सुंदर गायों की यहाँ पर सेवा होती है। श्रीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई गौशाला है। तो मेरे को याद है जब मैं इस्कॉन के गुरुकुल में था वृंदावन में 1999 की ये बात है, तो यमुना जी यहाँ तक आती थी भैया। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पर अभी आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पर पहले यमुना जी आती थी और हम गौशाला से पीछे निकल कर आते थे और स्नान करते थे श्री यमुना मैया में। अभी आपको भक्ति वेदांत गौशाला के दर्शन कराएंगे। जय हो। और हम पहुंच चुके हैं भक्ति वेदांत गौशाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर कितनी सारी सुंदर सुंदर गायों के दर्शन हो रहे हैं। उतरेंगे भैया एक बार, यहाँ से बना लो। चलिए आइए, बना के आते अंदर। हरे कृष्णा। एंड यू आर? नीतू जी, गीतू जी। ओके, थैंक यू, सो स्वीट। वेर आर यू फ्रॉम? से राधे राधे, यू आर लाइव राइट नाउ। ओके, चलिए। ओके, इस्कॉन श्री वृंदावन की गौशाला में हम प्रवेश कर रहे हैं। फटाफट आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। गो माता के दर्शन कीजिएगा आप। कन्हैया को गो माता बड़ी प्यारी है। गोविंदा गोपाला। हाँ जी, नाम आता है और सबसे प्रिय ठाकुर जी को यानी कृष्ण जी को गौ माता रही हैं। तो जैसे हमें शास्त्र में बताया जाता है कि नंद बाबा की 900,000 गैयाँ थी, 900,000, और ठाकुर जी सारी की सारी 900,000 गैयों को नाम से पुकारते थे, उनको हर एक का नाम पता था। गोविंद गोपाला। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं। गौ माता की जय, गोविंद की जय, गोपाल की जय। जय हो। कितनी प्यारी है। जय हो।
as you can see, it's written over here, Bhakti Vedanta Swami Goshala, established by Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON in the year 1976. चलिए आगे बढ़ते हैं. कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा. दर्शन करेंगे. आएंगे ना पक्का? पक्का आऊंगा. रिक्शा में कर रहे हैं? नहीं नहीं, बाइक पे कर रहे हैं. अच्छा, बाइक पे कर रहे हैं और साथ में रिक्शा भी है. हाँ ठीक है. ठीक है ठीक है, हरी बोल. चलो भैया, बड़ा मुश्किल हो रहा था. कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका फ्रंट करना, फ्रंट. बैक कैसे करूंगा पता नहीं. चलिए भैया, जय जय श्री राधे. चलिए अब आपको हमने कृष्ण बलराम जी के वृक्ष के दर्शन करा दिए हैं. दो कैमरे में देख रहा हूं मैं, यहां पर भी और वहां पर भी. बोलो बांके बिहारी लाल की जय. श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास. तो ये मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करूं. कोई भी व्यक्ति जब वृंदावन धाम में आता है तो परिक्रमा अवश्य करता है, लेकिन पैर में चोट होने के कारण पैदल नहीं कर पा रहा हूँ इस बार. लेकिन सावरिया भैया ने बोला, अरे ऐसी क्या बात है, हम आपको बाइक पे कराएंगे. जय जय हो. तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं कालिया गे, है ना भैया. अब हम उस स्थान पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग को क्या किया था, कालिया नाग पर नृत्य किया था, उनको युद्ध में हराया था. यस, कालिया पूरे बोला गया, कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था और उनको युद्ध में हराया था. अभी हम उस स्थान के दर्शन करने वाले हैं. ठीक है जी. ठाकुर जी की बॉल चली गई थी. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. पहुंच चुके हम, फास्ट ट्रैक चल रही है हमारी परिक्रमा. अगर आप पैदल करोगे परिक्रमा तो यहाँ तक पहुँचने में भी थोड़ा 20 मिनट लग जाते हैं. जी भैया. ओके, यस. तो आप पढ़ पा रहे हैं कि यहाँ पर ओल्ड कालिया टेंपल कालिया घाट लिखा है. 5500 ईयर्स ओल्ड विशिंग केली कदम ट्री. तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने क्या किया था, कालिया नाग का कालिया नाग को हराया था. लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस प्लेस. तो क्या हुआ था, जब श्री ठाकुर जी यहाँ पर कालिया जो नाग है उसको हराने के लिए आए थे, उस दिन ना बलराम जी का क्या था, बर्थडे था, बलराम पूर्णिमा थी. अब बलराम जी वैसे तो शेष नाग भी हैं, अनंत शेष भी हैं, और कालिया भी सर्प है तो एक जाति के हैं. तो ठाकुर जी ने जानबूझकर बलराम जी को घर पे छोड़ दियो कि यार अगर बलराम जी आएंगे तो ये तो एक जाति के हैं तो मैं मार नहीं पाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. और तो और कुछ संत ये भी कहते हैं कि ठाकुर जी ने बलराम जी को जानबूझकर घर पे इसलिए छोड़ दिया, एक तो बर्थडे था, दूसरा क्योंकि एक जाति के थे, और तीसरा बलराम जी उनको छलांग ही ना मारने देते. इसी स्थान पर, यहाँ पर यमुना जी पहले यहाँ तक आती थी, इस स्थान तक मैंने यहाँ पर स्नान किया हुआ है. अभी तो यमुना जी बहुत पीछे चली गई हैं. ठीक है जी. तो इसी स्थान पर यहाँ पर कदम का वृक्ष है, ठाकुर जी ने कदम वृक्ष पे क्या नाम है चढ़कर वहाँ से छलांग मारकर यहाँ पर कालिया नाग का क्या किया था, उसके सर उसके फनों के ऊपर नृत्य किया था. जय जय श्री कन्हैया लाल की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस ओरिजिनल कदम वृक्ष के जहाँ पर ठाकुर जी ने क्या किया था, चढ़कर कालिया नाग का क्या किया था, उसके फनों के ऊपर नृत्य किया था. शास्त्र कहते हैं 5 घंटे तक हमारे गोविंद हमारे कृष्ण क्या कर रहे थे, यमुना में कालिया नाग के साथ लड़ रहे थे. और जैसे ही इसके कालिया नाग के फनों से खून निकलने लग गया तो उनकी नाग पत्नियों ने, कालिया नाग की पत्नियों ने उनसे प्रार्थना करी, हे प्रभु आप हमारे पति को प्लीज़ छोड़ दीजिएगा. तो कन्हैया ने कहा, यमुना में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम्हारी वजह से ब्रिज में बहुत हाहाकार मच रहा है, आकाश से भी जो भी पक्षियां निकलती हैं तो इस कालिया के फन से इसके जहर के कारण वो सब मर रहे हैं, कालिया को तुरंत यहाँ से वृंदावन से निकलना पड़ेगा. ठाकुर जी की कृपा और प्राप्त करते हुए, ठाकुर जी का आदेश का पालन करते हुए कालिया वृंदावन से फिर जाता है. तो ये है, दिस इज द ओरिजिनल कदम वृक्ष.
इस वृक्ष पर खड़े होकर चढ़कर ठाकुर जी ने छलांग मारकर यहाँ पर यमुना बहती थी और कालिया नाग का क्या किया था, फनों के ऊपर नृत्य किया था। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी एक पद चिन्ह है। हाँ जी, यहाँ पर ये कृष्ण चरण है, छोटे छोटे आप देख रहे हैं। ये चरण सबसे पहले ठाकुर जी जब वृक्ष पे चढ़े थे तो जो अपने पद चिन्ह छोड़े थे वो यहाँ पर है। आहा, यहाँ पर भी आप माथा टेक सकते हैं और बहुत छोटे छोटे चरण आपको नजर आएंगे। आहा, क्योंकि ये सारी बाल रूप की लीला है उनकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या सौभाग्य है हमारा, ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह को हम क्या कर रहे हैं, हमें स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। जय श्री कृष्ण चरण। और इसी वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने क्या किया था, छलांग मारी थी और कालिया नाग के ऊपर, उनके फनों के ऊपर नृत्य किया था। जय, दिस इज अनबिलीवेबल मर्सी। मैं अपने गुरु महाराज की ओर से, माता पिता जी की ओर से, सभी संतों की ओर से, वैष्णवों की ओर से, आप भक्तों की ओर से, मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। आप एंड तक जुड़े रहिएगा, आज आपकी बैठे बैठे घर में श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करवाऊंगा। आपका दास गोविंद कृष्ण दास, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आपको मैं एक और बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी जो है वो कालिया नाग के पीछे पड़ गए। उससे पहले की बात है, इस स्थान पर एक बार शोभर ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। 60,000 साल तक वो तपस्या कर रहे थे यमुना जी के नदी में, ठीक है, बीच में जाकर। तो एक बार क्या हुआ, जब वो तपस्या में तलीन थे, कुछ मछलियां आपस में बातें करने लग गई, ठीक है। तो शोभर ऋषि की आँखें खुल गई, बोले तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रही हो मेरी तपस्या में, आप कहीं और जाओ, नीचे जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ। तो शौबरी ऋषि जी को जो मछलियों ने कहा कि हे प्रभु हम तो भाग रही हैं, बोला किसके डर से भाग रही हो, बोला क्या नाम है, गरुड़ जी जो हैं वो हमें ऊपर से क्या करते हैं, खा जाते हैं हमें क्या, हम मछलियों को छोड़ते नहीं हैं, वो खा जाते हैं। तो सार रूप में मैं आपको सुना रहा हूँ। तो शौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर यमुना जी के आसपास नहीं आना है। तो कालिया को जैसे ही पता लगा कि गरुड़ जी को तो यहाँ पर आने मना है, तो वो क्या करते हैं, वो यमुना जी में आकर बस जाते हैं गरुड़ जी से बचने के लिए, क्योंकि गरुड़ जी तो सांप खाते हैं और कालिया नाग के पीछे भी पड़े हुए थे। तो कालिया नाग यहीं पर आकर बस जाता है यमुना में, आकर आराम से बस जाता तो ठीक था, लेकिन उसने क्या कर दिया, ब्रजवासियों को तंग करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या करते हैं, इस कदम वृक्ष पर चढ़कर, जो इस समय आपको दर्शन हो रहे हैं, दिस इज जस्ट अमेजिंग मिरेकल कि हमें दर्शन इतने आसानी से सुलभ हो रहे हैं। इस कदम वृक्ष पर खड़े होकर चढ़कर श्री ठाकुर जी ने यमुना जी में, जो अब यमुना यहाँ पर बहती थी, यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर, उनके फनों के ऊपर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण डिफीटेड कालिया एंड कालिया फिर प्रार्थनाएं करता है, नाग पत्नियां उनसे प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी कृपया आप हमारे पति को छोड़ दीजिएगा। फिर ठाकुर जी बोलते हैं आप यमुना जी से निकल जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को याद आ गया अचानक। तो कालिया नाग ने कहा था, प्रभु मैं जाऊँ कहाँ, गरुड़ जी मेरे पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अब फनों पे मेरे चरणों के चिन्ह पड़ गए हैं। अब मेरे चरणों के चिन्ह का दर्शन कर कालिया भी, गरुड़ जी भी तुम्हें क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने श्री ठाकुर जी के चरणों के दर्शन भी कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। वृंदावन जी की परिक्रमा हम अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। स्टे टिल द एंड, यू आर गोइंग टू गेट एक्सक्लूसिव दर्शन इन श्री वृंदावन धाम परिक्रमा। जो मेन स्पॉट आते हैं हम वहाँ पर रुकेंगे, ट्राई करेंगे हम आपको उनकी लीलाओं को बताने का। जय हो। हाँ जी, हमें सावरिया भैया कुछ बता रहे हैं। ठाकुर जी की लीला का हर एक
लीला पूरे वृंदावन में जितनी भी लीलाएं की हैं उन सबके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा है, क्योंकि ये पूरा जो पोर्शन है यमुना जी का ये दूषित कर दिया था, जहरीला कर दिया था कालिया नाग ने, इसीलिए क्योंकि गाय मर रही थी, जो ग्वाल वगैरह जितने भी थे, गोपियाँ थी जो यहाँ से जल लेकर जाती थी, वो सभी तबीयत खराब होने लग रही थी, इसीलिए ठाकुर जी को ये लीला रचनी पड़ी। कि उनको पता था कि कोई भी लीला कैसे रची जाएगी, उन्होंने अपनी गेंद भी यहाँ डाली, वृक्ष पे भी चढ़े, फिर छलांग भी लगाई और बाकी जितने भी वाले हैं सबको ये वर्णन कराया, सबको दिखाया कि मैं साक्षात ठाकुर जी के रूप में यहाँ पर कालिया नाग पर उन्होंने नृत्य किया, जो सभी ने देखा था और उनका जो नृत्य था वो भी देखने लायक था। जय हो। चले भैया जी, बिल्कुल चलिए भैया, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए, जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ। मैं भी चलाऊंगा बाइक भैया, मैं भी चलाऊंगा बाइक। चलिए अभी चलाओ, अभी आप चलाओ, आगे मैं चलाऊंगा। चलिए भैया तो अभी अभी आपने 5500 साल पुराना उसी स्थान के दर्शन कर लिए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हरा कर उनको वृंदावन से भेजा था, क्योंकि ब्रजवासियों को वो बहुत तंग कर रहे थे, वहाँ पर लिखा है काली दे टेम्पल। और अब हम बैठ चुके हैं अपनी बुलेट पे और वृंदावन की परिक्रमा हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर आएगा जिसका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन, है ना भैया? यस, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ श्री वृंदावन धाम, देयर इज बहुत सुंदर, देयर इज नथिंग लाइक द ब्यूटी ऑफ श्री वृंदावन धाम इन द होल वर्ल्ड। अब आप दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे सामने है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। This is one of the most oldest temple of Vrindavan. भैया हम आगे चलेंगे, अभी थोड़ा सा आगे है ना। चलिए अब हम आपको श्री श्री राधा मदन मोहन के दर्शन करने का थोड़ा सा पास से, हम थोड़ा मंदिर के पास जाते हैं दर्शन करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं दो दो फोन पे लाइव चल रहा है। सो आप प्लीज़ राधे राधे कमेंट कीजिएगा, हरे कृष्णा कमेंट कीजिएगा, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कमेंट कीजिएगा। ठाकुर जी की कृपा लेते हुए आप इस वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लीजिए। हाँ जी, बस थोड़ा सामने से ही अगर पॉसिबल है तो। अरे अरे अरे, ये गलियां कोई मामूली गलियां नहीं है, ये तो हमारे बिहारी जी की गलियां है। सावरिया भैया बोलो नेक। ये है वृंदावन की कुंज गलियां, वृंदावन की कुंज गलियों का आनंद ले रहे हैं। भैया मेरी शादी तो थी नहीं आज। चलो आप ब्रिज की शादी का भी आनंद लो, लगता है ठाकुर जी बोल रहे हैं आप शादी करो। जय जय श्री राधे, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। परफेक्ट भैया, बहुत सुंदर। आप आएंगे भैया कि मैं जाऊं? मैं फटाफट बोल के आता हूँ, सभी को दर्शन कराता हूँ। भैया बाइक मोड़ रहे हैं, सुनिए, ये है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। इसके पीछे बहुत बड़ी लीला है, बड़ी लंबी लीला है, लेकिन मैं आपको बड़ी सार रूप में बता देता हूँ। सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामी में से बड़े प्रमुख गोस्वामी जी हैं, वो क्या करते थे, गोकुल में ठाकुर जी का स्मरण करते थे और महाप्रभु ने उनको कहा था कि आप शास्त्र को लिखो। एक दिन ठाकुर जी उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, अरे सिर्फ पुस्तकें लिखता रहेगा कि मेरी फिजिकल कोई सेवा भी करेगा? तो वो क्या करते हैं, मदन मोहन जी की सेवा प्रारंभ करते हैं। तो एक बार मदन मोहन जी उनके सपने में आगे बोलते हैं, रुके रुके, रोटी खिलाता रहता है सनातन, इसमें कम से कम नमक और मिर्च तो डाल दे। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आज आप मेरे से रोटी और
क्या नाम है, नमक मांग रहे हो, कल आप मेरे से पनीर की सब्जी और साग पता नहीं क्या क्या मांगते रहोगे। मेरे पास इतना समय नहीं है सब करने के लिए, मेरे को अपना अध्ययन करना है, मेरे को अपनी पूजा करनी है। तो ये सुनकर मदन मोहन जी कहते हैं, पहले उनका नाम था मदन गोपाल, मदन मोहन जी कहते हैं अच्छा ये बात है, तो मैं अपना सेटिंग खुद कर लूँ। बोला हाँ करो। तो यहाँ ये है मदन मोहन जी का मंदिर, और यहाँ सामने से अभी मैं आपको दिखाऊंगा यमुना जी है ना, सामने से निकलती है। तो एक बार क्या हुआ, एक बिजनेसमैन कपूर नाम का, कृष्णदास कपूर नाम का बिजनेसमैन, कृष्णदास कपूर नाम का जो बिजनेसमैन है वो यहाँ यमुना जी से निकल रहा होता है, अचानक उसका तो जहाज है, उसने बहुत सारे उसमें नमक और अपने ना कुछ बिजनेस का सामान लेके जा रहा होता है दिल्ली, वो सारा का सारा जहाज तूफान में अड़ जाता है। ठाकुर जी क्या करते हैं, एक ग्वाले के रूप में आते हैं, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी नौका को पार लगा देते हैं। कपूर कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी इस हेल्प के लिए मैं कैसे आपको आपका ऋण चुका सकता हूँ। उन्होंने कहा आप एक काम करो, यहाँ पर ऊपर ना मदन गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ पर एक गोस्वामी रहता है, सनातन गोस्वामी, आप एक काम करो उसको खूब थोड़ा सा धन दो, ताकि वो मेरे लिए बड़ा प्यारा सा मंदिर बनाए, वो तो मेरे को ऐसी छोटी सी जगह में रखता है। तो उन्हीं बिजनेसमैन ने क्या किया था, इन सुंदर सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर बना के दिया, फिर सनातन गोस्वामी जी के द्वारा सेवित अंदर कौन है, श्री श्री राधा मदन मोहन। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, मदन गोपाल, ये जो गोपाल जी हैं वो बन गए श्री श्री राधा मदन मोहन जी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ श्री वृंदावन धाम। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, सभी कमेंट करें श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हो। चलिए सावरिया भैया की बुलेट तैयार है, मतलब कितने सुंदर है हमारे गोस्वामी। चलो भैया ये गलियां जाती हैं सीधे हमारे शिवांग के बिहारी लाल की जय हो। आनंद ही आनंद, श्री वृंदावन धाम से आप लाइव परिक्रमा के दर्शन कर रहे हैं। अरे बजा दे नेक थोड़ा सो। चलिए जयताम सुरतो पंगो मम मंदर तेर गति सर्वमिदाम भोजम श्री श्री राधा मदन मोहनो। ये है राधा मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र। भैया वराहा घाट अभी पीछे रह गया, अभी आएगा सबसे पहले जो से निकले थे ना। हाँ जी हाँ जी, तो अब हम केशी घाट के दर्शन कराएंगे सभी को। ओके नेक्स्ट स्टॉप इज केशी घाट। हाँ जी चीर घाट आएगा, इमली तला भी पहले आएगा। ठीक है भैया, अभी अभी आपको दो मिनट में बताते हैं, अभी नेक्स्ट स्टॉप इज चीर घाट, और चीर घाट के बाद इमली तला, उसके बाद केशी घाट। बने रहिएगा, आज आपकी घर में बैठे बैठे श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा हो रही है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। अद्भुत नजारा जी जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हो श्री यमुना मैया की जय। यमुना मैया के दर्शन होने लग गए हैं, ये देखिए सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर श्री वृंदावन की दीवारों पे भक्तों के द्वारा बनाई गई हैं। अभी आई थिंक यहाँ पर हम रुकेंगे भैया, इमली तला। हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत ही ऑस्पिशियस, वेरी वेरी। आप आ रहे हैं भैया? सो नाउ अब आप पहुँच चुके हैं, जैसे आप पढ़ सकते हो वहाँ पर ऊपर लिखा है सिद्ध पीठ इमली तला महाप्रभु जी की बैठक। आइए
तो मैं थोड़ा सा पास में आ जाता हूँ, दर्शन अभी बंद है, लेकिन आपको सार रूप में बता देता हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जब भी आप श्री वृंदावन धाम आएँ और परिक्रमा लगाएं, दर्शन ज़रूर करें। तो सार रूप में मैं आपको बताता हूँ, ये है इमली तला, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री गौरंग महाप्रभु जब भी वृंदावन में आते थे यहीं पर बैठकर, एक इमली का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो महामंत्र का जप करते थे इसी जगह पर बैठकर। वो भोजन करने के लिए जाते थे अक्रूर घाट, और चीर घाट जो अभी आप दर्शन करोगे वहाँ पर महाप्रभु स्नान करते थे। इस वृक्ष के नीचे एक लीला भी है जो संत बताते हैं कि जब रासलीला हो रही थी तो ठाकुर जी को पता लगा कि सारी गोपियों में अहंकार हो गया है कि क्या नाम है, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको उनके साथ हूँ, तो वो रासलीला को छोड़कर वो कहाँ पर आ गए, वो इस इमली के वृक्ष पर नीचे आकर बैठ गए। लेकिन उनको राधा रानी का विरह बहुत हो रहा था, तो वो इतना राधा रानी को याद कर रहे थे तो उनका जो शरीर का जो कम्प्लेक्शन है वो गोल्डन कलर का हो गया, ही टर्न्ड इनटू गोल्डन कलर इसी इमली वृक्ष के नीचे। आप अंदर जब जाओगे दर्शन करने के लिए, अंदर एक इमली का वृक्ष है जिसको इमली तला कहते हैं, तला का मतलब नीचे और इमली का वृक्ष, ठीक है। तो जैसी किशोरी जी आई और उन्होंने देखा कि अरे अरे ये कौन है जो गोल्डन कलर का है, बिल्कुल मेरे रंग का है, तो श्री ठाकुर जी ने बताया सारी बात कि मैं आपको ध्यान करते हुए मेरा रंग ही श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो गया, और आने वाले कलयुग में मैं गौर वर्ण आपका रूप धारण करके और आपका भाव धारण करके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा और सभी को हरिनाम की बाढ़ में क्या करूँगा, उनको नहलाऊँगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विच इज़ कॉल्ड इमली तला, ठीक है जी। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जब भी आप श्री वृंदावन धाम आए यहाँ पर बैठकर, यमुना जी बिल्कुल सामने है, वो देखो यमुना जी वहाँ पर बह रही है, आप अवश्य यहाँ पर ज़रूर रुकें। यहाँ पर बहुत सीनियर वैष्णव आते हैं और क्या करते हैं, बैठकर माला का जाप करते हैं। मैं अंदर तो घुसाया हूँ भैया, अंदर घुसाए हैं, फटाफट ऐसे दर्शन करा देते हैं। ये देखो, ये रहा सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इमली तला, इमली का वृक्ष। श्री ठाकुर जी भी इस वृक्ष के नीचे बैठे, किशोर जी राधा रानी भी इसके नीचे बैठी हैं, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु, राधा रानी और कृष्ण दोनों जब मिल जाते हैं वो गौरंग महाप्रभु बनते हैं, वो भी इस इमली तला की संस्कार कथा यहाँ पर दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में भी, वीडियो के बाद जब लाइव ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट, गौरंग महाप्रभु की जय, हरी बोल ज़रूर कमेंट करें। आपको बैठे बैठे आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ, इमली तला के दर्शन हो रहे हैं। मैं गुरु महाराज की ओर से, सभी संतों की ओर से, माता पिता की ओर से, उनकी कृपा के कारण ही मैं यहाँ पर हूँ, और आप सभी की ओर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके वी हैव टू मूव नाउ। ये भी एक लीला है कि किसी राजा ने, मेरे को इतना ध्यान नहीं, लेकिन मोटा मोटा ये बात है कि वृक्ष को काटने के लिए क्या आदेश दे दिए थे, लेकिन जैसे ही इस इमली तला के वृक्ष को काटने लगे, उस वृक्ष से, इमली तला के वृक्ष से खून निकलने लग गया। इसका मतलब ये कोई जड़ नहीं है, इसमें चेतन है, दिस इज लिविंग, इमली तला इज लिविंग, इट्स ए लिविंग फोर्स, ही कैन हियर इस राइट नाउ। इमली तला वृक्ष हमें सुन रहे हैं इस समय, सभी एक बार मिलकर महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम